अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चले सब बच्चे अपना उर्दू कायदा खोलें। सफ़ा नंबर 4, कल हमने सफ़ा नंबर 4 का आगाज़ किया था और कल हमने सफ़ा नंबर 4 में पढ़ा था पे पे, जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं और उसकी आवाज़ प थी, ठीक है ना। प है इसकी आवाज़ और कुछ अल्फाज हमने बनाए थे मुख्तलिफ हरूफ के साथ पे प को मिलाकर। ये पूरा सफ़ा आज हम मुकम्मल करेंगे। हमने 1, 2, 3 लाइनें कल पढ़ी थी और कुछ अल्फाज बनाए थे। नीचे मज़े की बात ये है कि जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं, ऊपर जो अल्फाज हमने बनाए थे वही अल्फाज है। चले आए एक दफ़ा हम सब मिलकर इन अल्फाज को पढ़ते हैं। ब आ बा प बाप, म आ मा प माप, आ प आप, प आ पा प पाप, प आ पा म पाम, प आ पा म पाम, आ म आम, ब आ बा म बाम, प आ पा म पाम, म आ मा म माम, आ प आ पा आपा। थोड़ा सा फासला, फिर आ आपा आ। ये आ पा के साथ खड़ा है तो हम इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे आपा, और ये दूर खड़ा है तो इसको हम अकेला पढ़ेंगे क्योंकि ये अकेला ही खड़ा है। आपा आ, ब आबा ब आबा, बाबा बा और बा एक साथ खड़े हैं तो हम इनको एक साथ पढ़ेंगे बा बा बाबा, और थोड़े से फासले पे आ खड़ा है बाबा आ। म आ मा म आ मा मामा आ, आ ब आ बा ब आ बा बाबा आ। आ अकेला खड़ा, हमने इसको अकेला पढ़ा। ब और बा एक साथ खड़े थे, इनको एक साथ पढ़ा। फिर दूर थोड़ी आ खड़ा था, वहाँ भी अकेला था, यहाँ भी अकेला है, इसलिए हमने यहाँ भी इसको अकेला पढ़ा और यहाँ भी। जबकि ब आबा एक साथ खड़े थे तो हमने इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो बाबा बन गया। आ आ ब आपा आपा आ, आ पा आपा आ आपा आ, अ आ, ब प म। नीचे 3 नुक्ते किसके होते हैं? प के। और ऊपर, जी हाँ, ऐसे ही नुक्ते अगर ऊपर की सिमत हो तो हम उसको बोलते हैं प प प म। जी बच्चों, आज का सबक आपका यही था। आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है और जो अल्फाज बनाए हैं उनको लिखने की कोशिश करनी है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।